हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन करी, जो बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, लो फ्लेम पे। गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें सारे के सारे खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद डालेंगे इसमें अपनी चॉप हुई अनियन। यहाँ मैंने 3 अनियन ली हैं, इनको बारीक तरह से चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ की अनियन है। चॉप करने के बाद डालेंगे इसमें अनियन को लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारी अनियन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब डालना है इसमें चिकन। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है, यानी कि भूनना है इसको, ताकि इसका सारा कच्चापन वगैरह सब कुछ निकल जाए। धीरे धीरे सारा चिकन डालेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चिकन में हमें डालना है 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट। जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालेंगे, देन उसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे, ताकि हमारा पेस्ट और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए, एक दूसरे में मिल जाए। चलाने के बाद 10-15 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा कुक होने देंगे। सो यहाँ पर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। अब हम डालेंगे साबुत धनिया और सौंफ, इसको अच्छे से कुचल के डालेंगे। फिर हम डालेंगे साबुत अदरक बारीक कटा हुआ, साबुत लहसुन वही बारीक कटा हुआ, 3 से 4 पीसेस लिया मैंने लहसुन के। डालने के बाद डालेंगे इसमें 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला और 3 टमाटर लिए हैं मैंने बारीक कटे हुए, जिसको अच्छे से मिक्स। इसको बहुत अच्छे से चलाना है, ताकि टमाटर और प्याज मुँह में ना आए। लो फ्लेम पर 15 मिनट तक इसको और कुक होने देंगे, इसको गलने के लिए टमाटर और प्याज को। सो यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं, और हमारे यहाँ पे चिकन भी बहुत अच्छे से मतलब कुक हो चुका है। और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है। देन हमें लेना है दही। हाँ, मैंने 1 कटोरी दही लिया है, जिसको डालने के बाद इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद हमारे हरी मिर्चों में 1-1 कट लगा के उसको डाल दिया है, साबुत हरी मिर्चों में। देन थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर, इसको डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा और कुक होने देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। देख सकते हैं कि चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है, कितना टेस्टी डिलीशियस लग रहा है देखने में। सो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा। देन हम डालना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऊपर से, फिर थोड़ा सा कोरिएंडर और डालेंगे हम इसमें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।